बिहार में कोरोना महामारी के बीच एम्बुलेंस को लेकर विवाद जारी है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव और बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के बीच वॉर पलटवार का दौर जारी है। इस विवाद की शुरुआत 7 मई को तब हुई जब पप्पू यादव ने एक वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने बीजेपी सांसद के दफ्तर में धूल फाक रही एम्बुलेंस को लेकर सवाल किए। बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी कोरोना महामारी के दौर में भी सांसद फंड से खरीदे गए एम्बुलेंस को छिपाकर रखने के आरोपों में घिरे हैं। इस मसले पर केस मुकदमे से लेकर सियासी बयानबाजी का दौर जारी है, लेकिन सांसद रूडी के एम्बुलेंस का विवाद नया नहीं है। 19 साल पहले भी सारण के तत्कालीन डीएम ने रूडी के सारे एम्बुलेंस को जब्त करा लिया था। छपरा के स्थानीय लोग बताते हैं कि रूडी को एम्बुलेंस को लेकर 19 साल पहले यानी 2002 में भी खूब विवाद हुआ था। तब छपरा के डीएम पंकज कुमार झा हुआ करते थे। पंकज कुमार झा ने रूडी पर नियमों का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उनके द्वारा संचालित हो रही सारी एम्बुलेंस को जब्त कर लिया था। डीएम ने उन सारे एम्बुलेंस को अपने आवास के बाहर खड़ा कर दिया था। रूडी के कुछ एम्बुलेंस को छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में भी खड़ा किया गया था। छपरा के तत्कालीन डीएम पंकज कुमार झा ने तब कहा था कि उन्हें शिकायत मिली थी कि राजीव प्रताप रूडी एम्बुलेंस का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने इसकी जाँच कराई तो आरोप सही पाया गया, लिहाजा जिलाधिकारी के तौर पर मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए उन्होंने सारे एम्बुलेंस को जब्त करने का आदेश दे दिया था। रूडी के एम्बुलेंस जब्त करने के बाद बड़ा सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया था। राजीव प्रताप रूडी ने आरोप लगाया था कि सारण के डीएम गलत तरीके से उनके एम्बुलेंस को जब्त कर रहे हैं। बिहार में उस वक्त राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी। राजीव प्रताप रूडी ने लालू प्रसाद यादव से सारण के डीएम पंकज कुमार झा की शिकायत की थी। डीएम पंकज कुमार ने 10 मई 2002 को राजीव प्रताप रूडी के एम्बुलेंस को जब्त कराया था। 4 दिन बाद 14 मई को पंकज कुमार का सारण डीएम पद से तबादला कर दिया गया था। दिलचस्प बात ये थी कि उस वक्त भी रूडी बीजेपी के सांसद थे, जबकि सूबे में सरकार आरजेडी की थी। कहते उस वाक्य के बाद से सारण के किसी प्रशासनिक अधिकारी ने राजीव प्रताप रूडी से उलझने की कोई कोशिश नहीं की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।